तो जय हिंद साथियों, देश भर में तमाम सेनावर्ती रैली और एग्जाम पे लगे हुए रोक के बीच में आज फिर से एक और खबर सामने लेकर के आए हैं और खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि बहुत भाई मेरे, बहुत दोस्त मेरे कमेंट कर रहे थे कि दिवेश भाई ऑफिशियल वेबसाइट पर कब नोटिफिकेशन आएगा, बस प्लीज एक बार कन्फर्म अपडेट बता दो, क्योंकि भाई बहुत अंदर से उत्सुकता हो रही है कि आपकी जो डेट बताई थी आप लोग आपने कि 22 मई को एग्जाम होगा, इस एग्जाम का नोटिफिकेशन हर जगह इसी की चर्चा चल रही है, लेकिन सच में ऐसा होगा या नहीं ये भी बता दो दिवेश भाई, या फिर आपका जो 22 मई का डेट है क्या ये सही है या फिर ऐसे मजाक में बोला था, क्या है सच्चाई। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाऊंगा और समझ में आ जाएगी तो प्लीज लास्ट में जाते जाते लव यू जरूर बोलना। और इस वीडियो को समझने के बाद हाँ, एक तो जरूर है इस बात का कि आप दूसरा कोई वीडियोस नहीं देखोगे और ना ही अब डाउट रहेगी कोई, आज पूरी क्लियर करने वाली है। जो आर्मी एग्जाम को लेकर के बहुत से लड़के जो चिंतित है, बहुत से युवा चिंतित है, बहुत से मेरे भाई चिंतित है, तो चिंता की आज विषय को खत्म करके आपके मन में जो गलत फहमी है उसको दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात, आप युवाओं का दर्द वही समझ सकते हैं जो युवा हो, जो उसकी तैयारी करता हो या फिर जो तैयारी किया हो, तो वही दर्द समझ सकता है, क्योंकि फौज में जाना इतने आसान नहीं होता है। जब गांव घर का लड़का सुबह 4 बजे दौड़ लगाता है, उसके बाद मन में जिम्मेदारी रहती है, घर की आर्थिक स्थिति को सही करना रहता है, सब कुछ रहता है, सारे परेशानी को झेलता है, जब उसका सीना फटता है ना तभी भी वो मेहनत करता है, सोचता है कि आज थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कल हमारे जैसा 300 लड़के तैयारी कर रहे होंगे ग्राउंड में, सबके बीच में प्रथम लाना पड़ता है। इसीलिए मेरे दोस्त वो समझ सकता है आपकी भावनाओं को जो उस रास्ते से गुजरा हो या गुजर रहा हो। तो मेरे दोस्त आर्मी एग्जाम को लेकर के सबसे पहला बात यह है कि 22 मई को मैंने एक एक्यूरेट डेट बताया था आपको आर्मी लिखित परीक्षा को लेकर के, फिर मैंने एक बार और कल ने बात किया सर से, तो डायरेक्ट हमको सर से बात होने के बाद सर ने ये बताया कि इस एग्जाम को लेकर के आप निश्चिंत रहे, क्योंकि जो कंडक्ट एग्जाम है 22 मई को होगी, ये पूरी कंफर्म है। और मैंने बोला कि सर 22 मई को एग्जाम कैसे होगी, आप तो हो सकता है 29 मई को होगी, क्योंकि 29 मई को लास्ट संडे पड़ रहा है। तो सर ने बताया कि दिवेश देखो, लास्ट संडे से मतलब नहीं है, यहाँ पे 22 का जो हम लोगों को डेट मिलेगा वही डेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 29 मई को लास्ट संडे है, लेकिन 22 मई को एग्जाम क्यों, क्योंकि लास्ट संडे को एग्जाम होता है। तो बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दिवेश जो एग्जाम है आप लोगों का आर्मी लिखित परीक्षा का, वो 29 मई को नहीं 22 मई को होगा, तो इसके लिए आप चिंतित ना रहे, आप व्यवस्थित रूप से जो भी आपके दोस्त है, भाई है, उसको बोले तैयारी करने के लिए, और एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है और आपकी नोटिफिकेशन लगभग 25 तारीख तक, अप्रैल तक, अगर सोशल मीडिया पर यानी ज्वाइन इंडियन वेबसाइट पर देखने को भी मिलेगा। तो उन्होंने इस मैसेज से हमको अवगत कराया, तो मैं आज फिर से इस बात को आपके सामने कहने वाला हूँ, और उस भाई के तमाम चेहरे पे जो मतलब झुलासे पड़ गए थे ना, उसके चेहरे पर फिर से एक बार स्माइल आ जाएगी, क्योंकि इसीलिए आने के, भाई देखो दिवेश भाई आपका रनिंग रिलेटिव कोई भी दिक्कत हो, डायरेक्ट परेशानी हो, आप कमेंट करना, आर्मी दौड़ में एक्सलेंट कैसे मारना हो, टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते हो, SSC GD की तैयारी करते हो, तो घर पे रहकर भी इतना अच्छा प्रिपरेशन करोगे, एक्सीलेंट मारना तो घर पे भी रहकर करोगे, सिर्फ मैसेज करना मुझे और मैं गारंटी के साथ आपकी सारी टाइमिंग कम करवाऊंगा। तो ये होती है आर्मी रनिंग के बारे में, क्योंकि रनिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, रनिंग बहुत छोटी चीज है, बस सोच की फर्क होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और आर्मी लिखित परीक्षा को लेकर के बस यही दोस्तों से मैं बार बार विनती करता हूँ और आगे भी करना चाहता हूँ कि दोस्त मेरे ये गलत फहमी में ना रहे कि एग्जाम नहीं होगी, मई के बाद होगी, आपकी शेड्यूल बहुत जल्द जारी होगी और आपकी लिखित परीक्षा 22 मई को होगी। लेकिन एक बात है, अगर इस 22 मई को एग्जाम होगा तो भाई के वीडियोस को खूब शेयर करना, भाई को चैनल को खूब शेयर करना और प्यार देना, ये नहीं कि भूल जाना बाद में कि दिवेश भाई ने बताया और हम भूल गए, ठीक है। इसलिए भाई पर प्यार बरसाना और भाई को शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, इसलिए बाद में ये नहीं कि भाई इतना मेहनत किया, आप लोग भाई को मेहनत ना करें, भाई को प्यार ना दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।